गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज के क्लासेस में हम लोग क्लास नाइन्थ का जो कोऑर्डिनेट पार्ट है, कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के नेक्स्ट एक्सरसाइज का प्रॉपर्टीज और इसके टोटल सॉल्यूशंस को समझेंगे। तो पहले हम लोग इस एक्सरसाइज के प्रॉपर्टीज को समझें। इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपको कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन और इससे रिलेटेड जो टर्म्स है इनको थोड़ा सीखना पड़ेगा। एब्सिसा, ऑर्डिनेट, लाइक दिस, इस तरह के टर्म्स जो हैं इनको आपको जानने पड़ेंगे। तो कार्टेशियन सिस्टम में आते हैं, टू लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर कॉल्ड एक्सिस। मींस अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं हम, तो एक लाइन हमारा हो जाएगा वर्टिकल और ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इन लाइनों को हम लोग स्टार्टिंग में एक्सेस कहते हैं। वन ऑफ देम इज अ हॉरिजॉन्टल और उनमें से एक हॉरिजॉन्टल होता है कॉल्ड एक्स एक्सेस, जिसे हम लोग एक्स एक्सेस कहते हैं, और द अदर लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सेस इज कॉल्ड वाई एक्सेस। और जो एक्स एक्सेस पे लाइन परपेंडिकुलर है, डैट मीन्स की वर्टिकली परपेंडिकुलर है, लाइक दिस वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसे हम वाई एक्सेस कहते हैं। बोथ दीज लाइन्स आर इन द सेम प्लेन, दोनों एक ही प्लेन में लाइज करते हैं और इस प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन अदरवाइज कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, या इस टाइप के प्लेन को एक्स वाई प्लेन भी कहा जाता है। तो टोटल थ्री नेम्स होते हैं इस तरह के प्लेन पे, जहां पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट करते हैं जिस प्लेन में, उस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन अदरवाइज एक्स वाई प्लेन कहते हैं। अब इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको एब्सिसा कहते हैं। सपोज कहीं भी आपने पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट का वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और इस एक्स कोऑर्डिनेट को ही एब्सिसा कहा जाता है। नेक्स्ट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। अगर हमारे पास एक पॉइंट है और ये एक एक्स एक्सिस सपोज हमने ड्रॉ कर रखा है, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस वाई एक्सिस कहलाता है और इसी को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। सारे टर्म्स को हम लोग ग्राफ में भी समझेंगे। पॉइंट्स नंबर थ्री, द एब्सिसा ऑफ, एब्सिसा मीन्स होता है एक्स कोऑर्डिनेट, द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि वाई एक्सिस पे अगर एक्स की वैल्यू को हम सर्च करें तो एक्स की वैल्यू वाई एक्सिस पे जीरो होती है। पॉइंट्स नंबर फोर, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज जीरो। एक्स एक्सिस पे अगर वाई की वैल्यू को सर्च करते हैं तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो हो जाती है, इसलिए वाई एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन अगर लिखना चाहे तो वाई इक्वल टू जीरो भी लिखते हैं। द एक्सिस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, और इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए 0,0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब पहला जो पॉइंट है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड पॉइंट आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है। अब इसमें थोड़ा सा साइन कॉन्वेंशन को भी समझ लेते हैं। पॉजिटिव नंबर्स लाइज ऑन द डायरेक्शन ऑफ ओ एक्स एंड ओ वाई। मीन्स जो इनका जो इम्पोर्टेंस समरी और नोट्स है कि ओरिजिन से अगर आप एक्स एक्सिस पे राइट साइड पे चल रहे हैं तो सारे नंबर पॉजिटिव होंगे, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड में चल रहे हैं तो सारे नंबर नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट, ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस पे आप जा रहे हैं तो ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव, एंड ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो ऑल नंबर्स आर नेगेटिव। अब इन्हीं चीजों को हम लोग अपने एक ग्राफ में इसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया। तो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये वर्टिकल जो लाइन है ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है।
अब ओरिजिन से जो राइट साइड के जितने नंबर होंगे आप उन्हें पॉजिटिव में लिखेंगे, ओरिजिन से लेफ्ट साइड के नंबर ऑल्स आर निगेटिव, ओरिजिन से एबव जितने नंबर होंगे ऑल्स नंबर आर पॉजिटिव, एंड ओरिजिन से डाउनवर्ड जितने नंबर होंगे ऑल नंबर्स आर निगेटिव। अब थोड़ा सा ऑर्डिनेट के बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा सा प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं कि क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टीज क्या है। क्वाड्रेंट क्या होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी भी प्लेन पे हम लोग प्लॉट कर देते हैं, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस प्लेन को फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 1 2 3 4। ऑलवेज जो है क्वाड्रेंट जो होता है एंटी क्लॉकवाइज हम लोग नंबरिंग करते हैं, जैसे ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आते हैं तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस से लेते हैं और वाई की वैल्यू वाई एक्सिस से लेते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी एंड वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं तो यहाँ पर ओरिजिन से लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, सो एक्स की वैल्यू यहाँ निगेटिव होगी सेकंड क्वाड्रेंट में, और ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वाई की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जो एक्स की वैल्यू होगी वो भी निगेटिव होगी एंड ओरिजिन से डाउनवर्ड वाई की जो वैल्यू होगी वो भी निगेटिव होगी। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू ओरिजिन से राइट साइड में है, सो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव एंड ओरिजिन से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई की वैल्यू जा रहे हैं, तो वाई की वैल्यू निगेटिव हो जाती है। तो ये हम लोगों ने एक समराइज किया क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जो आपके पेज नंबर 60 से स्टार्ट होता है। तो इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशंस ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। तो हमने अभी बताया था कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जहां पर हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को किसी प्लेन पे शो करते हैं। कार्टेशियन प्लेन को भी हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, अदरवाइज कार्टेशियन प्लेन को हम लोग एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एक्सिस, तो हॉरिजेंटल एक्सिस का जो नेम होता है वो एक्स एक्सिस होता है। वर्टिकल जो लाइंस होते हैं उसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। और इनका जो सेकंड क्वेश्चन है, पोजिशन सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। तो सारे पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। दैट मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक प्लेन, जिस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, इसको फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और इस फोर पार्ट को ही हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, जहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट्स जो होता है उस पॉइंट्स को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इसके बाद इसके एक्सप्लेनेशंस को एक साथ देख लेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चंस में है, सेकंड क्वेश्चंस में है, सी द फिगर, फिगर गिवन इस क्वेश्चन में गिवन बिलो एंड राइट द फॉलोइंग। आपको पहला दिखाना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कहाँ होगा और कोऑर्डिनेट पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट किस जगह पर, मतलब बी कोऑर्डिनेट और सी कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा वो चीज़ आपको बताना है।
नेक्स्ट आपको इसी क्वेश्चन में बताना है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट 3 -5। इस पॉइंट को लोकेट करना है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4 इसे लोकेट करना है। और एप्सिसा मीन्स एक्स एक्सिस होता है, एप्सिसा ऑफ पॉइंट डी, फोर्थ में ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच मतलब वाई एक्सिस, पॉइंट एच का वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एंड नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पहले ग्राफ ले लेते हैं, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को समझते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया है और इसमें पहले पॉइंट बी दिया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो ग्राफ में अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ में बी पॉइंट हमारा इस जगह पे आ रहा है। और पहला क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, बी से परपेंडिकुलर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे और बी से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। तो जब बी से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो -5 हो जाएगा और बी का वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका +2 हो जाएगा। नेक्स्ट सी कोऑर्डिनेट बताना है, तो सी कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पर है, ये सी, इस सी पॉइंट को देख रहे हैं, सी का कोऑर्डिनेट बताना है। तो सी से फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सी से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और सी से जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 होगा और सी का वाई कोऑर्डिनेट -5 होगा क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वाई की वैल्यू निगेटिव होगी। सो इसका कोऑर्डिनेट होगा 5, -5। अब इसका थर्ड क्वेश्चन था कि हमें एक पॉइंट आइडेंटिफाई करना -3, -5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स में -3 हमने यहाँ देखा और फिर इसके बाद -5 जो वाई कोऑर्डिनेट में है आपका -5 यहाँ पर है। तो -3 से परपेंडिकुलर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, -5 से परपेंडिकुलर लेफ्ट साइड में जाएंगे और ये दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट ई होगा और ई का ही कोऑर्डिनेट होगा -3, -5। अगेन जो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है इसमें हमें 2, -4 को लोकेट करना है। तो 2 गिवेन है, दैट मीन्स 2 पॉजिटिव है और -4 मीन्स y की वैल्यू निगेटिव है, इसलिए -4 हम यहाँ पर आएंगे। अब 2 पे परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड -4 पे राइट साइड में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि इनका हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए और ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है दैट मीन्स गिवन पॉइंट इज जी, इस जी का ही कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, -4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ था एप्सिसा ऑफ पॉइंट डी। तो पॉइंट डी में आते हैं, पॉइंट ये हमारा डी है, एप्सिसा मीन्स होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो इससे पॉइंट डी से परपेंडिकुलर हम एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर जो लेंथ मुझे मिल रहा है वो 6 मिल रहा है, दैट मीन्स पॉइंट डी का जो एप्सिसा होगा वो 6 होगा। नेक्स्ट हमें ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है पॉइंट एच का, ये हमारा पॉइंट एच है, ऑर्डिनेट मीन्स होता है वाई एक्सिस। तो पॉइंट एच से वाई एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट एच का जो ऑर्डिनेट है वो हो जाएगा -3। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एल। अब पॉइंट एल को देखते हैं, पॉइंट एल कहाँ पर है, सी डी बी एम एच, सो इस पॉइंट को लोकेट किया गया है पॉइंट एल, यहां पर मेंशन नहीं है ग्राफ में लेकिन ये पॉइंट है, इसको एल से शो किया गया जिस जगह पे 5 लिखा हुआ है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अगर ये एक्स एक्सिस पे ही लाइज कर रहा है दैट मीन्स इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा एल का वो 5, 0 हो जाएगा, पॉइंट एल का यहाँ पर है आपका पॉइंट एल, ये गिवन है पॉइंट एल आपका ये एबव है इसलिए ये चीज ग्राफ में आपको नहीं दिख रहा था, ये पॉइंट एल है और इसका कोऑर्डिनेट हमें शो करना है। तो इस कोऑर्डिनेट के लिए देखते हैं कि यहाँ से केवल हमारे पास जो लेंथ अवेलेबल है वो केवल वाई कोऑर्डिनेट का है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू आपकी 0 होती है, जो प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा
वो एक्स कोऑर्डिनेट के जगह पे जीरो होगा और वाई कोऑर्डिनेट के जगह पे फाइव होगा। सो एल का जो कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो कॉमा फाइव होगा। अब अगेन हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है एम का, तो ये हमारे पास एम पॉइंट है और इस एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में हमारे ये आता है कि एम पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाइज करता है और एक्स एक्सिस पे हम कहीं भी चले जाएं वाई की वैल्यू हमारी जीरो हो जाती है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट माइनस थ्री होगा बट इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। सो एम का जो कोऑर्डिनेट होगा माइनस थ्री कॉमा जीरो। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने जो एक्सरसाइज कवर्ड किया है वो 3.2 है और अगली क्लासेस में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल 3.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर इसके एक्सरसाइज 3.3 के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसको अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे। थैंक यू।